एवरीवन, आप सबको मेरे चैनल पर खुश आमदीद। आज हम बनाएंगे लोटस बिस्कॉफ चीज़ केक। इस केक को बनाने के लिए आपको किसी किस्म की ओवन की ज़रूरत नहीं है, तो अगर आपके पास ओवन नहीं है तो नो वरीज, इसके अंदर कोई ऐसे इंग्रेडिएंट नहीं है जो पकें या जिसको पकाने की ज़रूरत पड़े। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। अच्छा जी, तो हमने यहाँ पर 300 ग्राम क्रीम ली है, और ये क्रीम आप कोई से भी यूज़ कर सकते हैं। आप दूध के ऊपर से जो क्रीम निकलती है वो भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर वो जो पैकेट में मिलती है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। क्रीम पैकेट वाली होगी तो आपने 1.5 पैकेट यूज़ करना है। अब हम इसके अंदर हाफ जार जो है वो क्रीम चीज़ का ऐड करेंगे, और इसका मतलब समझ लें हमने यहाँ पर 4 टेबल स्पून भर कर हमने यहाँ पर क्रीम चीज़ ली है। क्रीम चीज़ जो है इसमें मस्ट ऐड होनी है। आप ये नहीं कर सकते कि आप इसको स्किप कर दें, क्योंकि इसका नाम ही चीज़ केक है, तो आपने ये क्रीम चीज़ ज़रूर लेनी है और ऐड करनी है। अब हमने इस मिक्सचर के अंदर लोटस बिस्कॉफ स्प्रेड जो हमने बनाया था वो ऐड करना है। और आपको मैं ये बता दूं कि लोटस बिस्कॉफ स्प्रेड की मैंने रेसिपी इस वीडियो में अटैच नहीं की है, आपने इसके लिए दूसरी वीडियो देखनी है मेरी, वो आपको इस तरह से सही से पता चलेगा। क्योंकि इसकी वीडियो बहुत लंबी हो जाती तो मैं ये इतनी लंबी वीडियो बनाना नहीं चाह रही थी, तो मैंने 2 वीडियोस में स्प्लिट कर दिया। लोटस बिस्कॉफ स्प्रेड की रेसिपी आपको मेरी दूसरी वीडियो में मिलेगी, उसकी लिंक भी मैं नीचे अटैच कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और सारे इंग्रेडिएंट्स की जो क्वांटिटीज़ हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दी हैं, तो आप वो भी देख लीजिएगा। यहाँ पर मैंने लोटस बिस्कॉफ ऐड किया है, स्पून वाइज मैंने ये लोटस बिस्कॉफ ऐड किया है, स्प्रेड जो है लोटस बिस्कॉफ का, तो आपने भी स्पून वाइज ऐड करना है। और किसी को ज़्यादा बहुत स्वीट पसंद है तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये जितना मैंने ऐड किया था ये इनफ स्वीटनेस थी इसके अंदर, तो मैं तो प्रेफर करती हूँ कि बस इतना ही स्वीट होना चाहिए ये। अब हमने मैरी बिस्किट का पैकेट लिया था और उसे अच्छी तरह से क्रश कर लिया, और उसके बिस्किट्स को अच्छी तरह से क्रश करने के बाद हमने सबसे पहली लेयर जो लगाई वो हमने मैरी बिस्किट के क्रश्ड बिस्किट की लगाई थी। हमने चीज़ केक को ग्लासेस में सेट इसलिए किया है क्योंकि हमने इसके अंदर जेलेटिन यूज़ नहीं किया और ना हमने यूज़ करना है इसमें। अगर आप ग्लासेस में इसको सेट कर रहे हैं तो आपको जेलेटिन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने किसी मोल्ड में इसे सेट करना है और फिर इसे केक की शेप देनी है तो फिर आपको जो है इसे इसके अंदर जेलेटिन यूज़ करना पड़ेगा। मैं आपको जेलेटिन वाला केक भी एक दफ़ा बना के बताऊंगी, लेकिन अभी तो ये जो ग्लासेस में चीज़ केक्स हैं आप वही एंजॉय करें। अब हमने जो चीज़ केक का बैटर तैयार किया था वो हम इसके अंदर डाल देंगे और उसकी लेयर लगाएंगे बिस्किट्स के ऊपर, और ये आपकी मर्ज़ी है कि आप ग्लासेस को कितना फ़िल करना चाहते हैं, कम से कम हाफ से ज़्यादा तो फिल होना चाहिए। हमने इसके ऊपर बिस्किट्स की लेयर लगानी है और अच्छी तरह से हमने चारों तरफ स्प्रेड कर देने हैं बिस्किट के लेयर को भी। अच्छा जी, तो बिस्किट के बाद तो हमारे पास बारी आती है चॉकलेट की। तो चॉकलेट हमने किस तरह बनानी है, चॉकलेट गनाश बनाना है। 1:1 रेशो हमने चॉकलेट एंड क्रीम का लेना है, यानी कि अगर आपने 1 कप चॉकलेट ली है तो आप 1 कप ही क्रीम लेंगे और इसे गर्म कर लेंगे और इसे मेल्ट करके इसका गनाश बना लेंगे, और गनाश बनाने के बाद आप इसको इस तरह से ग्लासेस के साइड्स पर लगा देंगे। जैसा कि मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बनाना सिखा चुकी हूँ, हमने इन ग्लासेस को फुल चिल कर लिया था और 2 घंटे के लिए हमने इसे फ्रीज़र में रखा था। अब हम इसके ऊपर जो लोटस बिस्कॉफ का हमारे पास स्प्रेड है वो हम इसके ऊपर पोर करेंगे। आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, ये लोटस बिस्कॉफ का स्प्रेड जो है ये इसी तरह से ही थिक होता है, आपको इसे थिन करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको लिक्विड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये इसी तरह ही खाया जाता है, बहुत टेस्टी लगता है और इसकी लेयर इसमें जान डाल देती है, ट्रस्ट मी। आप इसे घर में बनाएंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा होगा। अब मैं आपको स्प्रेड करने का तरीका भी बता रही हूँ, क्योंकि ये थिक होता है तो नीचे से बिस्किट की जो लेयर है वो ख़राब हो सकती है, तो आपने इसे इसी तरह से स्पून की मदद से इसे स्प्रेड कर लेना है, या फिर आप इसे पाइपिंग बैग में भर के भी
आप इसकी एक लेयर लगा सकते हैं, लेकिन वो बहुत थिक लेयर होगी, तो आप, मैं तो प्रेफर करती हूँ कि मैं इसी तरह स्पून से इसे स्प्रेड कर दूँ। स्पून से स्प्रेड करने के बाद आपने इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए या तो आप लोटस बिस्कॉफ का हाफ बिस्किट रखते हैं, और अगर वो नहीं रखना चाहते तो आप इसके ऊपर बिस्किट क्रश करके डाल दें, जो हम लोगों ने मैरी बिस्किट इसके अंदर जिसकी लेयर लगाई है वो क्रश हुए हुए होंगे, आपके पास कुछ बचे हुए होंगे, आप इसके ऊपर वो स्प्रेड कर दें, आप स्प्रिंकल कर दें हल्के से, और मज़ेदार किस्म का ये आपका जो चीज़ केक है वो तैयार हो जाएगा। और आप इसे 1 घंटे फ्रिज में रखें और आप इसे फिर खा सकते हैं, बहुत मज़ेदार बनता है। आप इसे ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो रेसिपी के साथ, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आपसे फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।